जिला सोलन की रहने वाली हिमाक्षी ने हिमाचल का नाम बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पूरे देश भर में रोशन किया। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीतने के बाद हिमांशी का चयन राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता दिल्ली के लिए हुआ था, जिसमें हिमांशी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। यही वजह रही कि सोलन वासियों में आज खुशी की लहर देखी गई है। जिला सोलन की रहने वाली हिमाक्षी ने हिमाचल का नाम बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पूरे देश में रोशन किया है। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीतने के बाद हिमाक्षी का चयन राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए दिल्ली में हुआ है, जिसमें हिमाक्षी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। यही वजह है कि सोलन वासी आज खुश हैं। सभी ने गर्मजोशी के साथ हिमाक्षी का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सोलन में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। हिमाक्षी पिछले 2 साल से बॉक्सिंग खेल रही है और इतने समय में 20 डिस्ट्रिक्ट, 6 स्टेट और 4 बार नेशनल स्तर पर अपना प्रदर्शन दोहरा चुकी है और आज बॉक्सिंग में जिस तरह से वे प्रदर्शन कर रही है उसके लिए वो अपना आदर्श इंडियन फैमिली बॉक्सिंग प्लेयर मैरी कॉम को मानती है। हिमाक्षी सोलन जिला की रहने वाली है और हाल ही में गर्ल्स स्कूल सोलन में +1 की छात्रा है। हिमाक्षी के पिता मनोज कुमार सोलन में एक प्राइवेट कंपनी में बतौर मैनेजर कार्यरत हैं और माता निर्मला देवी हाउसवाइफ हैं। हिमाक्षी ने बताया कि वे कई बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी है लेकिन उन्हें पहले सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दिन रात मेहनत की और आखिर वे इस बार ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में कामयाब रही। उन्होंने बताया कि इस जीत के साथ साथ उनका चयन खेलो इंडिया खेलो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए भी हो गया है। वे अपनी उपलब्धि से बेहद खुश हैं और उन्होंने कहा कि वे जहां और पढ़ना चाहती हैं वहीं उसके साथ साथ खेलों में भी देश व प्रदेश में नाम रोशन करना चाहती हैं। हिमाक्षी के अध्यापकों और स्पोर्ट्स टीचर ने इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हिमाक्षी विलक्षण प्रतिभा की धनी है, क्योंकि हिमाक्षी ने जो भी खेल में स्कूल का नाम रोशन किया है उसी प्रतिभा को देखते हुए उसे बॉक्सिंग में जाने के प्रति प्रेरित किया और इस खेल में भी हिमाक्षी ने एक बार फिर से स्कूल का नाम देश व प्रदेश में रोशन किया है। मेरा नाम हिमाक्षी है, मैं गर्ल्स स्कूल में हूँ और अभी मेरा नेशनल था दिल्ली में और वहाँ से मैं ब्रॉन्ज लेके आई हूँ और मेरी खेलो इंडिया के लिए सिलेक्शन हुई है और खेलो इंडिया असम में है गुवाहाटी में जनवरी में। अपना फ्यूचर भी बन रहा है, साथ साथ में पेरेंट्स का नाम ऊंचा और अपने स्कूल का, अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट सभी का, इसलिए तो एक्साइटमेंट तो है ही। मैं +1 में हूँ, मैं 6 से खेलते आ रही हूँ। पहले मैं हॉकी खेलती थी, अब 2 साल हो गए मैं बॉक्सिंग खेलती हूँ। बॉक्सिंग में मैंने 3 नेशनल खेल लिए हैं और अब इस बार मेडल आया है। जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो वो चीज़ करनी चाहिए, कि जैसे मुझे स्पोर्ट्स में था तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे बोल रहे कि नहीं करो करो, पेरेंट्स भी साथ दे रहे, टीचर्स भी सभी साथ दे रहे और सभी के लिए मैसेज है जो जिसने करना है वो करे। हमें बहुत खुशी है, इतनी शायद इसके पेरेंट्स को भी नहीं है जितनी हमें खुशी हुई है। ये बच्चा हमारा मतलब 6ठी से मतलब ये पढ़ाया हुआ बच्चा है और बहुत ही अच्छी बच्ची है ये, बहुत ही अच्छी। हाँ जी, हर 6ठी से ही हमारे साथ ये टूर्नामेंट में भी खेल रही है। इसकी शुरुआत जो है टूर्नामेंट में, सबसे पहले इसने बैडमिंटन से शुरुआत की थी तो बैडमिंटन में भी अच्छा इसने अपना मतलब वो मेहनत की है और डिस्ट्रिक्ट खेला है इसने। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे हॉकी में इसने पार्टिसिपेट किया है तो उसमें ये स्टेट तक गई है ये बच्ची, वहाँ स्टेट में भी इसने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया है। और उसके बाद धीरे धीरे ये जैसे ही बॉक्सिंग इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में इंप्लीमेंट हुआ है तो हमने इसको बॉक्सिंग में इसको थोड़ा सा वो योगदान दिया है कि भी बच्चे आपने बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करने हैं क्योंकि आप बॉक्सिंग के लिए मतलब बहुत अच्छी आपकी बॉडी है, मतलब हाइट वाइट ठीक है तो आप बॉक्सिंग में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।